तो हमने अब तक बात की अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? अगर हमको अपने प्रोग्राम में एक या उससे ज़्यादा या दो या उससे ज़्यादा कोई लॉजिक परफॉर्म करने हैं और उसका उसके रिजल्ट के बेसिस पे हमें अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारी यहाँ पे हेल्प करते हैं। बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है कि ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो, जैसे कि सतीश एंड वीबीए, जैसे इसने दो नामों को एक साथ कंबाइन कर दिया, सतीश और वीबीए, यहाँ पर डिसीजन लेने में हेल्प की कि या तो सतीश हो या फिर वीबीए हो। सतीश नॉट वीबीए, यहाँ पे इसने हेल्प की कि सतीश वीबीए नहीं है। और वैसे एक हमारा चौथा एक्स और होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं कि दो कंडीशंस को ये मैच एक सेंटेंस में मैच कर देते हैं और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट लेके आते हैं। तो आइए एक बार इसको करके देखते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है और इसका मैं नाम दे देता हूँ सब लॉजिकल ऑपरेटर्स। सॉरी, हम सब रूटीन में स्पेस दे सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने तीन वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डेम ए एज इंटीजर, डेम बी एज इंटीजर, डेम सी एज इंटीजर एंड डेम डी एज बूलियन। अब क्योंकि हम यहाँ पे एक से ज्यादा लॉजिक परफॉर्म करने हैं तो हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर लिए हैं। चलिए इसको चार इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, तो और क्लियर होगा अपने को। और डिम डी ई एस बूलियन, इसको बूलियन ले लेते हैं। अब मैं इनकी वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 15, सी इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू अगेन 20। अब इसके बेसिस पे जो हमारा पहला ऑपरेटर है वो है एंड। एंड क्या करता है, अगर मेरी सारी कंडीशंस ट्रू हैं, जो भी कंडीशंस मैं लगाता जा रहा हूँ, अगर मेरी सारी कंडीशन ट्रू हैं तो ये रिजल्ट को ट्रू कर देगा, यानी कि जो मेरी ई है बूलियन की वैल्यू है उसको ट्रू कर देगा। तो चलिए कंडीशन लगा के देखते हैं, ई इज इक्वल टू, तो पहली कंडीशन मेरी ये है ए इज ग्रेटर देन, सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए, ये मेरी पहली कंडीशन है। एंड सी इज ग्रेटर देन बी और फिर डी इक्वल टू सी। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगाई, मैं पैरेंथेसिस हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे तीन यहाँ पे लॉजिक अपने परफॉर्म किए और इन तीन लॉजिक्स के बेसिस पे मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम में आगे रिजल्ट आए। तो ये ई में जो मैं बूलियन की वैल्यू सेव करा रहा हूँ, इसके अलावा मैं सीधे इफ कंडीशन के थ्रू भी अपना अपने प्रोग्राम को लिख सकता हूँ और आगे फ्लो बढ़ा सकता हूँ। बट अभी क्योंकि हमने इफ कंडीशन किया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बूलियन वेरिएबल का यूज़ करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे तीन लॉजिक मेरे यहाँ परफॉर्म करने पे जो मेरा रिजल्ट है वो ट्रू आता है। और डिबग डॉट प्रिंट ई, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, जैसे b इज ग्रेटर देन ए ट्रू, c इज ग्रेटर देन b ये भी ट्रू, एंड d इज इक्वल टू c और ये भी ट्रू, d और c की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे मेरी तीनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हो रही हैं, तो डिबग डॉट प्रिंट में मेरे को ट्रू मिलेगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ और देखिए मेरा जो रिजल्ट आया ट्रू आया, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन मेरी ट्रू हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कमेंट में एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें से मैं एक भी कंडीशन गलत कर देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने c इज इक्वल टू b कर दिया, तो c b के इक्वलेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है। तो एंड को सारी की सारी कंडीशन ट्रू चाहिए तभी ये ट्रू रिजल्ट लेके आएगा। अब एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा। देखिए मैंने आरन किया, मेरा रिजल्ट जो है फॉल्स आ गया। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है,
अगर सारी की सारी वैल्यू ट्रू हैं, सारे के सारे लॉजिक ट्रू हैं, तो ये रिजल्ट में मेरे को ट्रू दे देता है। तो ये मेरे एंड ऑपरेटर का यूज है, सारे लॉजिक ट्रू होने चाहिए। दूसरा मेरा आता है और ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये देखता है कि जितने भी मैंने लॉजिक अपने प्रोग्राम में लगाए हैं, अगर एक भी लॉजिक सही है यानी कि ट्रू रिजल्ट आता है, तो इसको ट्रू दे देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक गलत, पहला गलत लॉजिक लगाता हूँ, बी इज लेस देन वन, बी इज लेस देन ए सॉरी, तो बी की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 10 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कंडीशन मेरा फॉल्स है, गलत है। सी इज इक्वल टू बी, तो सी की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 15 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, ये भी मेरी फॉल्स है। लेकिन मेरी तीसरी कंडीशन है डी इज इक्वल टू सी, यानी कि डी की वैल्यू सी के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन मेरी बिल्कुल ट्रू है। तो और क्या करेगा, यहाँ पे मैं एंड के बदले और लगाता हूँ, और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम, ये चेक करेगा कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू आती है तो रिजल्ट में मेरा ट्रू प्रिंट कर देगा। इसको रन करके देखते हैं, ए की वैल्यू 10, बी की 15, सी की 20, डी की 20। अब ई में आप मेरे को वैल्यू दो, बी इज लेस देन ए और सी इज इक्वल टू बी और डी इज इक्वल टू सी, तो ये पहली कंडीशन गलत, दूसरी कंडीशन गलत, पर तीसरी कंडीशन सही है, इसलिए मेरे को ये ट्रू रिजल्ट दे देगा कि आपकी एक कंडीशन सही है इसलिए मैं आपको ट्रू रिजल्ट देता हूँ। और का यही काम है, या तो ये कुछ भी हो, एक भी जगह ट्रू मिलता है कंडीशन मेरी, वो ट्रू कर देगा। तो ये मेरे और ऑपरेटर का यूज था। अभी क्या हो कि अगर मेरी सारी ही कंडीशन गलत हो, अगर मान लीजिए मैं डी नॉट इक्वल टू सी कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, यहाँ पे मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं है, तो ये मेरे को फॉल्स रिजल्ट देगा और ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से रन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ पहले का प्रोग्राम बचा हुआ था। तो कंडीशन चेक की, प्रिंट किया, फॉल्स, एक भी कंडीशन सही नहीं है इसलिए फॉल्स, एक भी सही है तो ट्रू, सारी सही है तो भी ट्रू। अब सारी को भी सही कर लेते हैं एक बार, बी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी एंड डी इज इक्वल टू सी। अब मेरी तीनों कंडीशन यहाँ पे सही है तो भी मेरा रिजल्ट जो है ट्रू आएगा, यानी कि अगर सारे लॉजिक मेरे ट्रू हैं तो भी ट्रू, एक भी लॉजिक ट्रू है तो भी ट्रू। तो और का ये काम है। तीसरा हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, चेक करता है, ये सारे लॉजिक को चेक करता है और जो भी रिजल्ट आ रहा होता है उसको अपोजिट कर देता है, यानी कि करके देख लेते हैं। अभी यहां पे नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, नॉट, ठीक है, पहले एक लॉजिक लगाते हैं फिर बाद में और लॉजिक लगाएंगे। तो ये लगेगा नॉट बी ग्रेटर देन ए। तो हमने पहले देखा था कि बी जो है वो ए से बड़ा है, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है, बी की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 10, तो बी मेरा ए से बड़ा है, रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। लेकिन नॉट क्या करेगा, इसको अपोजिट कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा, ये उल्टा चेक करता है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 15, सी 20, डी 20। अब ये कंडीशन मेरी ट्रू है और जो रिजल्ट आएगा लेकिन वो फॉल्स आएगा, क्यों, इसने उसको उल्टा कर दिया, रिजल्ट को पलट दिया। तो जब भी हमें कभी अपने रिजल्ट को निगेटिवली चेक करना है कि क्या ये चीज़ सही है, तो हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तो ये हमने एक लॉजिक लगाया और अब दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं, और बी ग्रेटर देन ए सही है, अभी बी लेस देन ए कर लेते हैं तो देखते हैं। अभी ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स है लेकिन इसको ट्रू कर देगा, जैसा कि हमने बात की कि उल्टा कर देता है, रिजल्ट को अपोजिट कर देता है और इसने ट्रू कर दिया, देख रहे हैं। तो ये तो मेरा एक के साथ हुआ, एक कंडीशन के साथ हुआ। अब दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं, एंड डी इक्वल टू सी। अभी मेरी बी लेस देन ए, ये गलत है, तो बी ग्रेटर देन ए कर लेते हैं एंड डी इज इक्वल टू सी। अब मेरी दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हैं, रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा लेकिन नॉट इसको अपोजिट कर देगा, फॉल्स कर देगा।
और ये मैंने इसको रन किया और ये फॉल्स आ गया। तो अगर हम कितनी भी कंडीशन लगाएं और जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा हो उसको ये नॉट जो है वो अपोजिट कर देने वाला है। आप बीच में जितने मर्जी लॉजिक्स लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी रिजल्ट आएगा फाइनली नॉट उसको अपोजिट कर देगा। तो ये हमारे नॉट ऑपरेटर का यूज था। इसके बाद एक हमारा चौथा ऑपरेटर आता है, हालांकि इसका मैंने यूज नहीं देखा नहीं है, बट बात कर लेते हैं, एक्स और। एक्स और ठीक है, ये क्या करता है, सॉरी एक्स और, अगर पूरे लॉजिक में एक भी वैल्यू ट्रू है, सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रू है, अगर दो वैल्यू ट्रू होगी तो गलत कर देगा। एक्स और एक्स और अगर पूरे लॉजिक में, सॉरी अगर पूरे लॉजिक में एक भी वैल्यू ट्रू है, सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रू है, माफ ही जाता हूं, अगर मैंने मान लीजिए एक दो और तीसरा लॉजिक लगा लेता हूं, बी इक्वल टू डी, सॉरी बी इक्वल टू डी, ठीक है, अभी ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू है, बी इज ग्रेटर देन ए, डी इज इक्वल टू सी, मेरी ये भी ट्रू है, और बी इज इक्वल टू डी, ये मेरी फॉल्स है, दो ट्रू एक फॉल्स है। तो ये क्या चेक करेगा कि आपकी दो वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स का रिजल्ट देगा, सिर्फ अगर एक ही ट्रू होती तो ये ट्रू का रिजल्ट देता। अब इसको रन करके देख लेते हैं, और इसने फॉल्स की वैल्यू दे दी कि आपके दो लॉजिक जो है वो सही है, मुझे सिर्फ एक ही लॉजिक सही चाहिए। अभी मैं इसको भी गलत कर लेता हूं, b लेस देन ए गलत है, d इज इक्वल टू सी सही है, b इक्वल टू डी ये भी गलत है। तो तीन लॉजिक्स में से मेरा सिर्फ एक ही लॉजिक सही है, तो अब यहां पे मेरा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, और सॉरी यहां पे ले आते हैं, a इज इक्वल टू 10, b 15, c 20, d 20, पहला लॉजिक गलत, दूसरा लॉजिक सही, और तीसरा लॉजिक ये भी गलत। तो यहां पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, और ट्रू, ठीक है आपने। तो एक्सओआर क्या करता है कि सारे के सारे लॉजिक चेक करता है, और अगर आपका एक भी लॉजिक सही है, सिर्फ एक ही लॉजिक सही है, माफी चाहता हूं बार बार मैं कहना भूल जा रहा हूं, अगर आपका सिर्फ एक ही लॉजिक सही है तो वहां पर ट्रू की वैल्यू देगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यू अगर आपकी ट्रू आ गई तो ये फॉल्स दे देगा, सारी वैल्यू फॉल्स है तो भी फॉल्स दे देगा, सिर्फ एक ही वैल्यू उसको ट्रू मिलनी चाहिए तभी अपना ट्रू का रिजल्ट देता है। तो ये हमारे एक्स और ऑपरेटर का यूज था। तो ये चारों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमको एक से ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा लॉजिक को एक साथ कंबाइन करके रिजल्ट देखने में हमारी मदद करते हैं।